अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज बना रही हूँ मैं फ़िश का सालन, मछली का सालन। ये फ़िश लिए तकरीबन, ये 1 kg फ़िश है और ये सब मसाले हैं। और साथ अभी मैं प्याज का उसको जो मैंने पेस्ट बनाया है क्रश करके रखा, वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये फिर ये प्याज, टोमेटोज़ और अनियन, इनको जो है मैंने इस तरह क्रश कर लिया है। तकरीबन 3 जो है मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए हैं और 3 मीडियम साइज़ की अनियंस लिए हैं। ठीक है, अभी चूल्हा जला दिया है मैंने। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद अनियन और टोमेटोज़ को फ्राई करेंगे। अच्छा, ये मसाले जो है मैंने, ये धनिया पाउडर लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1/2 टेबल स्पून ये पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, और 2 टेबल स्पून मिर्च है पिसी हुई, और 1.5 टेबल स्पून क्रश्ड चिली है, और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये गरम मसाला जो है वो 1 टीस्पून है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्च जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप के करीब करीब है ये। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऑयल हम ज़्यादा डालेंगे। अब ये ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर मैं प्याज और टमाटर जो है वो उसको फ्राई करूँगी। ऑयल गर्म हो गया, मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। क्रश करने से जो है वो जल्दी से जो है वो फ्राई हो जाती है अनियन, क्योंकि उनको ही बारीक हो गई है। इसको हम फ्राई करेंगे, तो फिर अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी, तो फिर हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, ये काफ़ी हद तक जो है वो फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर मसाला ऐड करूँगी। इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, ज़ीरा, धनिया, मसाला, नमक, सब कुछ जो मसाले हमने यहाँ डाल के रखे थे वो सब मैं ऐड कर दूँगी। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह भूनना है मसाले को, कि ऑयल सेपरेट हो जाए। जब ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, अच्छी तरह भून जाएगा, फिर हम इसमें फिश ऐड करेंगे। अच्छा, ये देखें, मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन चुका है। अब इस स्टेज पर हम थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो ये हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करके मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, और अब हम इस पर इस स्टेज पर हम इसके अंदर फिश ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पर फिश ऐड कर रही हूँ। अभी इसमें पानी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी फ़िश का अपना पानी जो है वो होगा, तो इस वजह से इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। थोड़ी देर जो है वो इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद इसको हाई भी नहीं, मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा उसको मिक्स करके और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी हम उस पर ढक देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे। मैं पलटूंगी। इसको अब हम थोड़ी देर और पकने देंगे। अब जो है मैं यहाँ पर इसमें पानी ऐड करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा शोरबे वाला बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें पानी ऐड ना भी करें, ठीक है, और उसको बस थोड़ी सी और देर पकाने के बाद आप उसको डिश आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन जो है मैं यहाँ पर 1 कप 1.5 कप जो है वो पानी ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर जो है वो 1 कप जो है वो पानी ऐड कर दिया है, ठीक है। और अब मैं धनिया और हरी मिर्च ऐड करूँगी, उसको थोड़ी देर फुल फ्लेम पर पकाएंगे,
और उसके बाद धीमी आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे, ऐसा ना हो कि मछली टूट जाए। अच्छा अब ये देखें, फिश जो है वो अब रेडी है, देखो ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसको हम मज़ीद नहीं पकाएंगे, यहाँ पर मैं चूल्हा बंद कर दी हूँ और ये थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर कसूरी मेथी जो होती है वो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ा दी हूँ, तो इससे जो है वो खुशबू अच्छी सी आती है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, निकाल रही हूँ इसको डिश में, तो हमारा सालन जो है वो फिश का रेडी है। आप इसको राइस के साथ खाएं या घर की जो चपाती होती है उसके साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। निकाल रही हूँ इसको डिश में, तो हमारा सालन जो है वो फिश का रेडी है। आप इसको राइस के साथ खाएं या घर की जो चपाती होती है उसके साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। फिश का सालन रेडी है, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।